हाँ जी सत श्री अकाल जी सारों दोस्तों, मैं भीर दविंदर से अज तुम विखाने कि भैया ना चोरी करके लै गया अपनी हवेली चो बहुत कुछ। थोड़ी तो किसी को आया हुआ काम से। सत श्री अकाल भाजी, अपना शिंगारा सो की डेयरी केड़ी है? शिंगारा सो मोड़ कट के आला मोड़ कट के ठीक है। सत श्री अकाल जी साहब जी, हुणे वेख लैने आ। तुसी कहना भी पता नहीं की गल आ, इत्थे गल कोई नहीं है, इत्थे अपने लोग ही साथ देण लग पैंदे दूजियां दा। अप्पू और भौजी की हाल ने? भैया एडा एक चोरी करके लैके गया, ताडे वाले इत्थे भैया आपू बुलाए उहदे। हाँ उन्हें बुलाया माड़ा जिहा। भैया अपनिया ला के लैके गया वा फ्लड लाइटा, एक ला के लैके गया बाजा, बल्ब है छोटे छोटे 6-7। मालकां नूं दसता वो कहिंदे कि बाहर बह जा। हुण वेखदे आं भला कढेरा की गलबात बनदी आ, की बोलदे ने, या इत्थे बहना पीना जां कुछ होर हुंदा। इन्हां ने अज तों कोई 1.5-2 महीने पहलां इकारा कीता। पहला भैया कढ के लै के गया बाजा, नाल इक कैन दा ढक्कण, ट्यूब लाइटां, फ्लड लाइट, LED बल्ब। एक जिहड़ा वा उह इत्थों फरार हो गया सी, उहदे नाल जिहड़ा सीगा नगेंद्र, उह इक मेरा मोबाइल लै के दौड़ गया सीगा। नाल उहनां कोल पैसे पूहे लैणे सीगे, उह वी हले हिसाब उहनां दा करन वाला। हुण तुसीं हिसाब ला लो वी आवाज़ देती आ तां किन्नी देर तक आउंदा वा इत्थें मेरे कोल, उह गल करदे आ। तो दोस्तों इत्थे होर कोई गल नहीं, इत्थे अपना जिहड़ा सीगा ना जदों उह अड़दा वा उदों काम जिहड़ा वा बह जांदा। हां प्रधान, हवेली तो की चोरी कीता है? कौन सब नहीं, तेन चोरी करने लई बोलिया कि नहीं? चोरी थोड़े को के ले गया है? हाँ नहीं, मेरा बाजा सी मैं लिया के देता ते तू ले गया, किन्नी की दी खुशी नाल? चलो गे है, चलो फिर ना गे तो इसे किन्नी ले गए सही सेने का किन्नी ले गए? मैंने तेरी गल नहीं समझ आउन डई, किन लगे फिर आप कह नहीं, तेरे प्यो दा नौकर लगा भी पहला मैं तेन लिया के दवा ते मगर तू घिण देगा? की घिणेगा तू? तू चोरी करके लै गया उतो बल्ब, तु ला के लै गए जे कैन का ढक्कन, तुही बेचता हूं इतने बंदा बनता फिर तू अगले बने। तेन पता नहीं मेरे घर चोरी करनी तो बाद चो बनना की है? तू भूत नहीं रहा, इतने आया वा तेरा फर्ज नहीं बनता मैनू दसा भी बाजे के पैसे देने, बाजा देना, गां बल्ब देने, ढक्कन देना या फ्लड लाइटा देनिया? तेरा रुपया बनता 12.5 हज़ार मेरी हवेली चो जिन्ना समान निकलिया ना ओदा। चल तुर फिर नाल बह, मेरे थले थाने चलिए तेन कर दे हिसाब। चल उधर लगा मोटरसाइकिल आ जा तुरिया। मज मैं कही है? मैं कही मज कही? नहीं नहीं मैं मज कही कही नहीं नहीं मज मैं कही कही आ मेरी चोरी करके लै के गया भौजी हवेली चो, तो मैं तो अपना चोर चोर फड़िया ताडे को आण के, कोई गलती की है? सारा समान साहब जी अप्पू आ अपने घरों लैके गया बाजा,
मेरे घरों चोरी की चोर मैं किवें छड़ दूं भाई जे तू कहना चोर छड़ दे तो मैं छड़ देना लो भाऊ जी आ हाल ने इहदे पैसे कौन देगा मेरे घरों तू समान चुकदा मैं तेरे को काम करा के की लेना तेरे सिर बनदा रुपया साढ़े दस ग्यारह हजार अपने मालकां नूं पुछ ला भी मैनूं पैसे कदों देने आ नहीं तू वाजा चोरी करके लै गया केड़ी गल्लों करके लै गया किहदे को पुछ के लै के गया वाजा तू भाऊ जी साडा जिहड़ा समान चोरी होया ना ओहदा आण के ते साडे कोलों ब्यौरा ले लिओ साढ़े दस हजार रुपया बनदा जे तां तुसीं ते साढ़े दस हजार दी हामी भरदे जे ते ठीक आ जे नहीं भरते तो आप इन लैके तो जाना ही हूं मैं अपने पैसे पूरे करने ही तेरे सरदार ना गल हो तेन किसी ने क्या कुछ मेरा बनता साढ़े ग्यारह हजार तुम क्या भी छड़ दे इनू मैं ताडे कहने छड़ता बंदा हो गया ताडा ठीक है नी मैं तो नहीं इन कोई क्या उस तरह इन मैं घड़ीस के लैके जाना ही नाले करवाना पुलिस वाले तो नाले लेने ही देखो पैसे तेरे नाल दा नगेंद्र भजया वह मोबाइल लैके गया 40,000 रुपए वाला हां उदो तो बाद जिहड़ा भजया हुण वापस आए उदों दी उहदियां डबल दिहाड़ियां पैणियां ते पैसे किन्ने मोड़ने काका जदों कोई सरदार कह देवे ना कि बंदा साडा वा सानू छड्डना पै जांदा वा भाई जी दसो मैनूं किन्ने दिनां तक पैसे मोड़ दे इहदे दस भाई नहीं बंदा ताडे नाल आ हूं कहता भी मैं तीन हजार देना मैं ये को लेना साढ़े ग्यारह हजार फैसला की करा वो ताडे दा भरा ने कहा भी कोई गल नहीं छड़ दे तू अहीं मुका लांगे तो जे साढ़े ग्यारह हजार से तुम छड़ दे जे इनू तो मुकदी है तो मैं छड़ जाना चला काका वो नहीं साढ़े ग्यारह हजार से नहीं मनते तेरी गल आ जा पेंट वा तू मेरे इतने जो हवेलियों गया उदो पेंट वा पुछ के लैके गया भी डक कढ़ना वो थाने जाके तेरिया पेंटा थोड़ी वेखनिया अगलिया ने हवेली जाके तेरा हिसाब कर दे दस मिनट च तेनू तेरे पैसे पूरे हो जाने कमल नहीं नहीं सोचा नहीं जो मेरा दिमाग फिर गया उदो मैं आ गया मैनू तो पता बाद चो लगा भी चोरी जेड़ा होया समान बाकी भी लोहा कितना निकाल के बेचे हैं वैली से एको नहीं सर देख ला भी गुड्डू भी उसी मैं पूछवा लूं मुंह पर पूछवा कहां पे है गुड्डू उसी मैं काम कर रहा है मेरा सर चलो ले आओ मतलब कि वो गलती हो गल गलती वो चोरी गलती हुंदी है एक बारी होवे दो बारी होवे ਤੁਹਾਡਾ 50 ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ काम की मेनू लोड ही नहीं है मैं तेरा टूआ मारना दल्ले जेडे भजदे जे जां चोरियां करदे जे मैं गंदे बंदे दा करना आ तेरे मालक दे करके आ भी तेनू चपेड़ा नहीं वजियां आ भाई गुड्डू भी ताडे वाली आ गुड्डू भी ताडे वाली आ इहदा भी हिसाब करना जे आ भज के गया ते डबल दिहाड़ियां इहदियां भी बनदियां जे रुपया इहदा भी 24,000 निकलदा जे जे तुसीं कहो ते मैं इहनां नूं थाने फड़ा दिंदा जे तुसीं कहो ते मैं इत्थे छड्ड के चला जांदा जो मर्जी इहनां नाल हिसाब करवा के दे दिओ भाजी कम तां तुहाडा करदे पए ने हां भी कहो मालकां नूं तुसीं भी पैसे लेने आ चोरी पहलां जाके आया ते मन्नो भी चोरी करके लैके गया बाजा तू क्या भी मैं गुड्डू दे भगवान जी पर बाबा जी पर लाइट लैके भजे जे बल्ब लाए जे सौ दा मुसलमान भी बड़े खांदे ने झूठा बंदा तां सौ उस वेले खा लैंदा अपना दोवें जने सलाह कर लो
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਵਾ 12-12-24 48,000 ਰੁਪਈਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਚੋਂ 24 ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 24,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡੂ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ 24,000 ਚੋਂ 9,000 ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 15,000 ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਆ 45-50 ਗਾਵਾਂ ਮਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਢਾ ਕੇ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਾਵਾਂ ਫੁੜਕ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੌਣ ਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮ ਗਾਵਾਂ ਕਾ ਹਮ ਡਾਇਆ ਥਾ ਜੇ ਲਾਲੋ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਾਵਾਂ ਕਾ ਮੈਨੇ ਡਾਇਆ ਥਾ ਆ ਜੋ ਮੱਝਾ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਡਾਇਆ ਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਭਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 15,000 ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਆ 8.5-9,000 ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਹਮ ਲਿਆ ਦੇ ਬੋ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਰਹਾ ਆ ਰਹਾ ਬੰਦ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਫੁੱਦੂਓ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਹਮ ਤਾਂ ਸੋਚਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨਾ ਫੋਨ ਪਰ ਕਾਸੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਕਾ ਪਾਤੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕੇ ਲਈ ਮਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੈ ਜਾਣ ਆਈ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਉਤਨਾ ਬੋਲੇਗਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਗੁੱਡੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 3200 ਦਾ ਵਾਜਾ 7-8 ਬਲਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਫੋਨ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਅੱਜ ਦਮ ਰਾਖ ਛੁਕ ਬੋ ਰਹਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹਮਰਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਉਹੇ ਕੋ ਗਲਤ ਹਮਰਾ ਸੇ ਇਤਨਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੇ 10,000 ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਾ ਸੇ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬਸ ਕੋ ਉਹਦਾ 15 ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 7.5 ਤੇਰਾ ਵਾਜਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਚੋਰੀ ਕਾ ਬਹੁ ਹਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਨੋ ਬਾਂਦਾ ਹਮਰਾ ਵੇ ਲੋ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਲੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਖੜਾ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3000 ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 3000 ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰੇ 3000 ਲਈ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਆ ਹਮ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਕਿ ਗਿਆ ਥਾ ਹਾਂ 39,000 ਸਾਲੀ ਲਿਆ ਥਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗਲਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਭੇਜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਨਗਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਪੂ ਕਾ ਅੱਪੂ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਇਹ 7,500 7,500 ਤੇ 3,000 ਇਹਦਾ 3200 10,500 ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਨਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ 48,000 ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੋੜਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਆ ਭਾਊ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਗਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ ਆ ਇਹ ਬੂਹਿਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ 14-14-15-15,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
हां सवेर दा तुहानू नाश्ता मिलदा सरदार सारे रात नू किलो दुध पीन नू देंदे ने ते लोग मैनू मखौल करदे भी है इन्नियां तनखावां किथे हैगियां ने किन्नी तनखा लैणे आ 15,000 रात नू दुध देंदे आ ना सरदार सवेरे नाश्ता भी मिलदा ते जे तां भी चोरी करो मामा मेरा आवाजा कट के खड़िया की नहीं आवाजा कट के खड़िया तो बाजे का की मतलब भाजी ते सामने कहना मैं पूछ के खड़िया चोरी नहीं की थी किसी को पूछा दस मैं पूछा था मैं रोटी खा रहा था जोन जोन बंदा उसका से पूछा कि बाजा ले जाने के लिए दे रखो तो बोला कि ले गया बोला कि नहीं ले जा हाँ ये सब किन्हें बोला को बांधा था किसका किसका से मार करवाएगा सारे बंदे दस ना उन्होंने कट्ठे करिए जिन्होंने किया सारे तेरे सामने बोलन वह गवाही दे तेनू छड़ देना अं उन्होंने फड़ लेना कर गया तो फिर तू उन्नी देर तक जेल च रहेगा प्रेम प्यार गुड्डू नाल हिसाब मेरा बाकी है तेरे नाल भी मेरा बाकी है तुहाडा दोवां दा लिहाज पता क्यों किते ना किते तुहाडी आल लगदी है पवन दे नाल वो बच्चे ने मेरे काम किया बच्चा हाले भी जिदे काम करता लोग कहते भी हाँ बंदे काम करते शाम तक अपना हिसाब किताब बना के मेनू पैसे दे जा गुड्डू तू भी अपना हिसाब किताब कर ला पवन नू लै नाल तेरा हिसाब इतना भी जिदन का तू भगौड़ा होया वा उदन तो लैके हुण तक जो डेयरी आले कह देणगे भी हिसाब करना वह हिसाब होएगा हां एक बारी तू भज के गया ते मतलब काम खराब हो गया तेनू मैं इत्थे लभण लई आया तुसीं भज्जे आ हुण तू गल्लां मार ला मैनू आ दस भी शाम तक तू अपने भरा नू लिया के मैनू हिसाब किताब की देना वा ठीक है ना ते तू भी मित्रा शाम तक मैनू दस दई लो भाजी मैं इन्हां नू हुण कोई नहीं कहिंदा इहदे कोल रुपया लैणा मैं 10,000 मारन नहीं लगा थापी देण लगा मारन लग पिया मामू तेरे को दो नहीं ढलियां जाणियां इत्थे तां हुण तू सरदारां अपने दे सिर ते हक कर ला जो मेन पैसे देना उदन तेरे मैं गल कर लूंगा जो मैं किसी की बेली जाके इतना कर दा तो कोई मेरी भी बेली आन के करूंगा ए हर एक सरदार सरदार की अपनी आपस समझौते की गल हुंदी है चलो चवाई कर लो तुम चवाई कर ला चवाई कर ला तुम तो छेती वेले हो जाते वेला होके मेनू फोन कर दी नाल गुड्डू नू लै आप हिसाब कर लांगे ठीक है ना चल जा हुण जाके चवाई कर चवाई ना लेट कर ए बंदे जी एक ए मुंडा ते एक ही दा छोटा अपना वड्डा भरा सका पहला मुंडा इतों वाजा चोरी करके लै गया तो गुड्डू कहिंदा भी वह अप्पू ने कीता वा मैं कहा चलो ठीक है कुछ दिन बाद अप्पू नगेंद्र नू लैके भज गया अपनी हवेलियों बंदे सारे निकल गए इन्हों आगा कि अं भजा तो सरदारा की डेयरी नहीं चलनी एक तो इन्हों का आ वहम निकल गया दूजा जो भी इन्होंने किया वा हूँ मैं आ दसो भी वो सज़ा की लाई जाए क्योंकि साढ़े इतने बिना दसा जो कर्मचारी छुट्टी करता वह फाइन पा फाइन भी छड़ दीए ता भी जोड़ा वा हिसाब बराबर करिए तो दोवे तिना मुंडिया को रुपया मैं ज्यादा नहीं तो 14,000-15,000 लेना पा तुम कमेंट कर दौ भी छड़ देने तो मैं छड़ देने जो तुम कहो भी लैने लैने तो फिर आप ले लेंगे जिस तरह भी लै